आप देखते आए हैं कि हम योग के ऊपर बनाए जा रहे हैं वीडियो, और आपने बहुत सारे योग के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में पूछा है, तो हम धीरे धीरे उन सभी योग्स को कंप्लीट करेंगे, तो आप धैर्य बनाकर रखिए। आज इसी योग की श्रृंखला में किसी ने हमसे बात की थी और कहा था कि अखंड साम्राज्य योग क्या हमारी कुंडली में है या नहीं है। अखंड अपने आप में ही दिख रहा है, और साम्राज्य, साम्राज्य बहुत बड़ी प्रभुता आपकी कुंडली में है या नहीं। तो आज हम आपके बर्थ चार्ट में यह बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो प्लैनेट आएंगे, एक प्लैनेट आएगा और दो चार्ट आएंगे, तो आपने यहाँ पे बृहस्पति देव को नोट कर लेना है। देखिए इंग्लिश वर्जन भी इन सभी योग के ऊपर डेफिनेटली बनाए जाएंगे, इसलिए धैर्य बना के रखें। तो आपने जुपिटर को नोट कर लेना है। दूसरा, यह आपको अपने D1 असेंडेंट चार्ट में देखना है। उसके बाद आपको अपना दूसरा चार्ट जो है अपना मून चार्ट उठा लेना है, मून चार्ट पे भी आपको फोकस करना है। अब क्या देखना है, अगर आपके चार्ट में कोई भी लग्न हो और जुपिटर अगर आपकी कुंडली का पांचवें भाव का मालिक हो या फिर ग्यारहवें भाव का मालिक हो, देखिए इन दोनों भाव का कारक, अगर कारक भाव नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हैं। इन दोनों भावों का कारक जो है, कारक तो जो है बृहस्पति देव को मिला हुआ है, तो या तो बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके पंचम भाव का मालिक हो या फिर आपके ग्यारहवें भाव का मालिक हो, और इस चार्ट में आपके लग्न चार्ट में अच्छी जगह पर जाकर बैठा हुआ हो, जो टिक मारे हैं इनमें से किसी स्थान पर। एग्जाम्पल भी यहीं ले लेता हूँ। मान लीजिए ये आपका पाँच नंबर लिखा है, सिंह राशि है, सिंह लग्न है, तो 6 हो गया, 7, 8 और 9। 9 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? बृहस्पति। और बृहस्पति देव आकर आपके चार्ट में या तो सिंह राशि में बैठ जाए, या आपके चौथे भाव में बैठ जाए, या आपके दसम भाव में, या फिर आपके नवम भाव में। ये कंडीशन आपको नोट कर लेनी है। आइए अब फिर आपने जाना है कहाँ, अपने मून चार्ट में, अपने चंद्र राशि के चार्ट में। अब वहाँ पर आपको देखना है, तो आपने किसको फोकस करना है? दो नंबर, क्योंकि दो नंबर ये पैसे का होता है, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का होता है, वाणी का होता है, तो बृहस्पति जी को इसका भी कारक तो प्रेजेंट प्राप्त है। उसके साथ ही साथ नवम भाव, यह आपकी काल पुरुष की कुंडली में स्पिरिचुअल गुरु का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, आपके इंटेलिजेंस के लर्निंग भाव का भी होता है, हायर एजुकेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ ग्यारहवां, तो आपने क्या देखा, वही घर आ रहे हैं लग्न कुंडली से भी और चंद्र राशि से जिसके ये कारकत्व हैं। आइए आपने पहला केस तो देख लिया, आपको समझ में आ गया। दूसरे केस में आपने इस घर को, सेकंड घर को, अपने नाइन्थ घर को और अपने ग्यारहवें घर को आपने देखना। अगर यह तीनों घर के मालिक या तो इन्हीं घर में बैठे हों या फिर आपके क्वाड्रेंट में कहीं भी बैठे हों, सेंटर में चाहे यह बैठ जाए या युति बना ले या एक दूसरे को संपर्क कर दें, लेकिन अगर ये इस चक्र के बीच में आ जाए तो आपकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यह योग रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बनता है। अपने आप पे आप लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं भंग नहीं होना चाहिए। 6, 8, 12 के मालिक के साथ इनकी युति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह योग भंग हो जाते हैं। इस चीज़ को आपको देखना। अब आप देखिए, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। पांचवा घर आपको पता है कि ये कारकत्व तो होता है, बच्चों का होता है, आपके आपके अच्छे कर्मों का घर होता है यह, साथ ही साथ आपके इंटेलिजेंस का होता है, आपके इन्वेस्टमेंट का होता है यह, आपका हायर एजुकेशन, चिल्ड्रन, स्पेकुलेशन, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। ग्यारहवा घर किसका होता है? सक्सेस और यह गेन का घर होता है, आपका अंडरटेकिंग, जितनी भी आप कार्य कर रहे हैं उससे कितनी सक्सेस, कितना लाभ मिलेगा वह होता है। नौवां घर मैंने बताया था आपके लक और स्पिरिचुअलिटी को बताता है, और सेकंड हाउस जो होता है, बताया था मैंने, आपके शेयर्स को, स्टॉक्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली को बताता है। तो अगर ये सारे हाउस मजबूत हैं, जब यही हाउस मजबूत हैं, तो आपको ये योग डेफिनेटली आपको वेल्थ देगा, आपको प्रोस्पेरस देगा, आपको हैप्पीनेस देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सवाल आता है कि भाई इसका रिज़ल्ट हमें कब मिलेगा, क्या वह टाइमिंग है जब हमें इसका रिज़ल्ट देखने को अपने चार्ट में मिलेगा। आइए आगे उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी प्रकार की सहायता, संपर्क करना है, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ज्योतिष घर वैद्य ऐप। आप हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर अपने चार्ट और विमसोत्री दशा शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे 60 दिन के अंदर अंदर आपको एक रिप्लाई अवश्य फ्री में दे दिया जाए। डिपेंड करता है क्यों कितना है, लेकिन पेशेंस, धैर्य बना के रखना है, स्पैम नहीं करना है। स्पैम करेंगे, किसी को सब कमेंट करेंगे, तो आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा। आइए
अब देखना है भाई ये सारा कार्य जो हो रहा है जुपिटर, तो आपने अपना चार्ट उठा लेना, क्या आपके चार्ट में इनकी दशा या अंतरदशा चल रही है, या फिर यह गोचर में जो आपका बृहस्पति है, आपको देखना है लग्न का गोचर और चंद्र का गोचर, क्या यह उन भावों से जा रहा है, पांचवें भाव से, ग्यारहवें भाव से, दूसरे भाव से, नवम भाव से, अगर यह जा रहा होगा और इनके साथ कोई भी दूसरे सेपरेटिव प्लैनेट्स नहीं बैठे होंगे, तो यह आपको रिजल्ट अवश्य उस दशा अंतरदशा में डेफिनेटली देता हुआ नज़र आएगा। तो सबसे सिंपल था अखंड साम्राज्य योग, और योग की सीरीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से देख सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी के लिए मैं बता दूं, हमारी न्यूमरोलॉजी की ऐप है, आप हमारे सेक्शन प्लेलिस्ट पे जाके या फिर प्ले स्टोर पर देख सकते हैं। वह सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स के आधार पर बनाया गया है, तो आप उसको भी डाउनलोड करके उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय श्री।